गाइस क्या आपको भी एक फ्लाइट टिकट बुक करना है? सो गाइस अगर आप भी ये सोच रहे हो कि फोन पे से मुझे फ्लाइट टिकट बुक करना है लेकिन मैं कैसे फ्लाइट टिकट बुक करूँ, तो आप लोगों को मैं आज बहुत आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ किस प्रकार से आप जो ना फोन पे एप्लीकेशन की मदद से कैसे आप जो ना फ्लाइट टिकट को बुक कर सकते हो। फोन पे एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुक करना बहुत आसान है, अगर आप भी चाहते हो कि बुक करना तो गाइस ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखते रहना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के दौर पर सीखते हैं कैसे आप जो है ना फ्लाइट टिकट को बुक कर सकते हो और भी फोन पे एप्लीकेशन की मदद से। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फाइनली जो ना मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ गया हो तो चलिए सिंपल आपको क्या करना है, फोन पे को ओपन करना है। जैसे कि आपने फोन पे एप्लीकेशन ओपन कर ले तो आपका सामने देखिए इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, देखिए नीचे की तरफ जैसे कि आप चला आओगे सिंपल देखिए पर ट्रैवल बुकिंग का एक ऑप्शन आएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे फ्लाइट पे क्लिक कीजिए। अगर फ्लाइट का टिकट बुक करना है तो सिंपल फ्लाइट पे जैसे कि आपने क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे जो है मेक माय ट्रिप के साथ टाइप है। तो गाइस आप सिंपल देख सकते हो यहाँ पे मेक माय ट्रिप का यहाँ पे नेम आ गया। तो गाइस सिंपल आप जो ना फॉर्म पे यानी कि आप कौन से एयरपोर्ट से कहाँ तक जाना चाहते हो, सिंपल में यहाँ पे दिल्ली क्लिक कर दिया हो, उसके बाद सिंपल मैं जाना चाहता हूँ पुणे, दिल्ली से पुणे, पुणे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हो। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन सा डेट को जाना है। तो सिंपल जो है मैं यहाँ पे 28, 29 इसका साथ साथ आप यहाँ पे प्राइस भी देख सकते हो कि कौन सा डेट में क्या प्राइस चल रहा है। आप ऊपर नीचे करके यहाँ पे डेट का हिसाब से आप चेक कर सकते हो। तो चले सिंपल मुझे जाना अगला महीना 5 तारीख को, सिंपल 5 तारीख को मैंने पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद सिंपल मैं डन पे क्लिक कर देने वाला हूँ, मुझे रिटर्न टिकट बुक नहीं करना है। अगर मुझे रिटर्न करना है तो सिंपल देखिए ऐड रिटर्न पे क्लिक करोगे तो सिंपल ऐसे रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद सिंपल देखिए ट्रेवल क्लास में क्या करने वाला हूँ, सिंपल मैं अकेला जाना चाहता हूँ, सिंपल मैं एडल्ट 1 पे रहने देने वाला हूँ। आपके पास कोई चाइल्ड्रेन है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए, 2 या तक की कोई छोटा बच्चा तो भी आप ऐसे क्लिक कीजिए। उसके बाद सिंपल डन पे मैं क्लिक कर देता हूँ और इकोनॉमी रख देता हूँ ऐसे। उसके बाद सिंपल मैं सर्च फ्लाइट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि मैं सर्च फ्लाइट पे कर दिया उसके बाद सिंपल देखिए मेरा सामने काफ़ी सारा फ्लाइट आ चुका है। तो आपको भी जिस फ्लाइट में अच्छा लगे तो आप अपने हिसाब से वो फ्लाइट और टाइमिंग के हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए जैसे कि 5:45 पे है और देखिए पे पुणे पे 13:05 पे चला जाएगा, यानी 7:20 यहाँ पे टाइमिंग ले रहा है। उसका देखिए 9:25 को है और देखिए 11:20 को यहाँ पे उतर देगा, यानी कि देखिए यहाँ पे नॉन स्टॉप और देखिए 1 स्टॉप। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉन स्टॉप क्या है, 1 स्टॉप फ्लाइट क्या है। देखिए 1 स्टॉप की मतलब ये होता है जैसे कि दिल्ली से पुणे आ रहा है, इसका बीच में और कोई एयरपोर्ट में उतरेगा फ्लाइट को, उसके बाद फिर से आपको वहाँ से भी दोबारा आपको आना पड़ेगा पुणे में। तो चलिए मैं ये नहीं करने वाला, सिंपल मैं नॉन स्टॉप करने वाला, यानी कि डायरेक्टली मुझे आना है। तो सिंपल नॉन स्टॉप पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए 1 स्टॉप फ्लाइट क्या है इसके बारे में भी वीडियो बना चुका, आप चाहो तो वो वीडियो को भी आप देख सकते हो। जैसे कि मैं सिंपल दिल्ली से न्यू दिल्ली से पुणे कर दिया, उसके बाद सिंपल देखिए पे आप बैगेज इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। देखिए 7 kg और 15 kg तक लेके आ सकते हो, यानी कि आपका उसका हैंड बैग वगैरह रहेगा तो आप 7 kg और देखिए चेकिंग बैग में आप जो ना 15 kg तक सामान लेके आ सकते हो। इसके बाद पूरा फुल डिटेल को आप यहाँ पे देख लीजिए। डिटेल को देखने के बाद सिंपल आप जो ना यहाँ पे अपना नेम को फिलअप कीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको फर्स्ट नेम मिडिल नेम, तो गाइस सिंपल आपका फर्स्ट नेम दीजिए, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दे दीजिए और सिंपल लास्ट नेम दे दीजिए। अब जेंडर सिलेक्ट कीजिए, मेल फीमेल, सिंपल मेल पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। आपका फर्स्ट नेम मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दे दीजिए, नहीं तो लास्ट नेम भर दीजिए। उसके बाद सिंपल आपका एक ईमेल आईडी दे दीजिए, आपके पास यानी कि कोई जीएसटी नंबर है तो आप दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं दोगे तो भी कोई इश्यू नहीं, ऑप्शनल है। उसके बाद सिंपल ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देने के बाद सिंपल कंटिन्यू कर दीजिए। चलिए ये सब डिटेल को मैं भर लेता हूँ, भरने के बाद मैं आपको आगे बता देता हूँ क्या करना है। उसके बाद सिंपल मुझे ऐप पे क्या करना है, पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा आप पूरा फुल डिटेल आप ऐप पे देख सकते हो। जैसे कि मेरा नेम ऐप पे आ गया है, उसके बाद सिंपल लास्ट नेम और देखिए मेल आ गया जेंडर। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम में कोई मिस्टेक कर दिया आपने तो गाइस सिंपल एडिट पे क्लिक करके आप सही कर लेना है, लेकिन आपका जो ना आईडी प्रूफ में जो भी लिखा रहेगा तो गाइस आप सही सही टाइप कीजिएगा, एकदम आप गलती मत कीजिएगा। उसके बाद सिंपल कंफर्म कर दीजिए।
जैसे कि आपने यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक कर दो कंटिन्यू पे, उसका देखिए आपका सामने काफी सारा ऑप्शन आया। देखिए पूरा फुल फ्लैट का सीट आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए ऊपर फ्लैट देखने को मिल रहा है कि आपका सीट कहाँ पे होगा। तो अब इस प्रकार से आप जो है ऐसे सीट को भी आप चूज कर सकते हो। इसके बाद सिंबल आप अपने हिसाब से ऐसे कोई भी एक सीट को चूज कर सकते हो। कुछ सीट आपको फ्री का भी मिल जाता है, कुछ सीट में आपको पैसा देना पड़ता है। तो चलिए आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं ऐसे 19 नंबर वाला सीट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, 234 रुपीज मुझे लग रहा है। उसके बाद सिंपल मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको नाश्ते के लिए कुछ चाहिए तो सिंपल ऐड कर सकते हो, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे कि अपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे उसका मुझे ऐप पे भी कुछ नहीं करना है। सिंपल आपका सामने काफ़ी सारा ऑप्शन आ जाएगा, आप चाहो तो ये सब प्रोडक्शन वगैरह ले सकते हो, नहीं तो सिंपल नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे कि आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे आपको पे फाइनल पेमेंट करना है। आप सुबह सिंबल चले, मैं सिंबल पे फोन पे क्लिक कर दो, नीचे देखिए फोन पे प्लस पे ऐसे क्लिक करूंगा। उसके बाद सिंबल मुझे पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं देखिए कंटिन्यू कर दिया, देखिए मेरा सामने पेमेंट का मेथड आ चुका है। तो गाइस मुझे अभी क्या करना है, सिंपल मुझे यहाँ पे पेमेंट कर देना है। तो देखिए फोनपे का साथ आपने जितने भी बैंक ऐप लिंक करके रखे हो तो आपका सारा का सारा बैंक ऐप आ जाएगा। सिंपल आपको ऐसे पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद सिंपल आपका फाइनल आपका टिकट ऐसे बुक हो जाएगा और आपका ईमेल और एसएमएस भी आ जाएगा कि आपका टिकट बुक हो चुका है। तो अब इस प्रकार से आप जना फोनपे एप्लीकेशन की मदद से आप कोई भी फ्लाइट टिकट को ऐसे बुक कर सकते हो। सो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप जो है फोनपे एप्लीकेशन की मदद से कैसे फ्लाइट टिकट को बुक कर सकते हो। सो गाइस आई होप कि आपके वीडियो में कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सिंपल नीचे दिया हुआ रेड बटन को दबा के हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तब तक के लिए अच्छे रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।